अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूँ हाफिज मोहम्मद इमरान। नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले हाल ही में खत्म हुए हैं। बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने और तजर्बाकार खिलाड़ियों ने बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया। ये ऑल लाहौर फाइनल था, दोनों टीमों में से कोई भी जीतता ट्रॉफी बहरहाल लाहौर आना थी। इस टूर्नामेंट में कई नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए, उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। कुछ तजर्बाकार खिलाड़ियों ने बड़े उम्दा खेल से सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। ऑलराउंडर्स में से भी कुछ खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। बल्लेबाजी के शोबे में इस टूर्नामेंट में ज़्यादा परफॉर्मेंसेस सामने आई, क्योंकि पिचेस ऐसी थी जहां पर बॉलर्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मदद मौजूद नहीं थी। हाई स्कोरिंग मैचेस हुए और उन हाई स्कोरिंग मैचेस में बल्लेबाजों का तूती बोलता रहा और बल्लेबाज पूरी तरह से अपनी फॉर्म में नजर आए। कामरान अकमल की बात करें तो बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया उन्होंने। अहमद शहजाद ने टूर्नामेंट के आखिरी हिस्से में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सलमान बट बड़ी अच्छी बैटिंग करते दिखाई दिए। इमामुल हक ने बड़े अच्छे रन किए। आमिर यामीन की कारकर्दगी बैटिंग के शोबे में बड़ी अच्छी रही। साहिबजादा फरहान, गौहर अली, सुहेल अख्तर, शान मसूद, उमर अमीन, मुख्तार अहमद, ये तमाम खिलाड़ी ऐसे थे जो रन्स करते दिखाई दिए। खुर्रम मंजूर ने बैटिंग के शोबे में बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया। अब ये इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बल्लेबाजों के लिए या खिलाड़ियों के लिए आगे क्या है? बॉलिंग के शोबे में बात करें तो लाहौर की तरफ से सीनियर बॉलर्स जो हैं, एजाज चीमा ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उमैद आसिफ विकटें लेते हुए दिखाई दिए। इन तमाम खिलाड़ियों के लिए अब क्या सिलेक्शन कमेटी इनको जेर गौर ला सकती है? और वो खिलाड़ी जिनकी टीम में से जगह खतरे में थी, इस टूर्नामेंट में अपनी उम्दा कारकर्दगी से क्या सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कायद अजम ट्रॉफी का सुपर 8 राउंड भी शुरू हो चुका है। इस ट्रॉफी के मैचेस में अब तक की कारकर्दगी के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से अब तक मैचेस खेले गए हैं और क्या इस मरतबा की ट्रॉफी में बेहतरी नज़र आई है। गुज़िश्ता बरस खेले जाने वाले मुकाबलों में इस मरतबा से किस हद तक मुकाबले की फिजा ज़्यादा बेहतर नज़र आती है? साथ ही साथ जो सबसे अहम मसला है पाकिस्तान और भारत क्रिकेट सीरीज़ का, आप उसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी बता सकते हैं। क्रिकेटर्स जितने मर्जी बाखबर हो जाएं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक भारत के साथ क्रिकेट का है, उसकी तकनीकी मामलात का है, उसके सियासी मामलात का है, उसके सफारती मामलात का है, बहुत सारे लोग बेखबर ही रहते हैं। अब ये मामला ये ऊंट के सिकरवट बैठता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें कितनी कामयाबी होती है, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमेशा से भारत के साथ जो रवैया रखा गया है वो दोस्ताना रखा गया है और क्रिकेट को तरजीह दी गई है, लेकिन भारत की तरफ से गुज़िश्ता चंद बरसों में जो कि तयशुदा चीज़ें थी उनके मामले में भी क्रिकेट खेलने से किनारा ही किया गया है और राह फरार इख्तियार की गई है। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, यकीनन वो माली भी हैं, वो सियासी भी हैं और वो सफारती भी हैं। देखना यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें किस हद तक कामयाब होता है अपने मौक़िफ़ में, गो के मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन नजम सेठी को तनकीद का सामना है, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट की जहाँ तक बात है, दुनिया में कोई ही सिवाय भारतीय हुक्मरानों के कोई ये नहीं चाहता होगा कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ना हो। पाकिस्तान ने इस मुश्किल वक्त में भी, इस ऐसे वक्त में भी जब भारत की तरफ से मुसलसल इनकार रहा, भारत जाकर क्रिकेट खेली और भारत की तरफ से जो रवैया है वो सबके सामने है, यकीनी तौर पर, वाज तौर पर खेल दुश्मन रवैया है। इस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर किस हद तक दबाव है, पाकिस्तान के अंडर-19 टीम की तैयारियां कैसी हैं और आने वाले दिनों में एशिया कप में नाकामी के बाद आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जूनियर टीम से क्या तवक्कुआत हैं, क्या खदशात हैं, तैयारियां किस हद तक बेहतर हैं और उम्मीदें क्या लगाई जा सकती हैं? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट इमरान बुच्चा साहब। अस्सलाम वालेकुम बुच्चा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया इनके साथ तशरीफ फरमा है टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं जी नेशनल T20 को? सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आपकी टीमें दोनों की दोनों पहुंची हैं फाइनल में और ट्रॉफी भी लाहौर ही आई है, क्योंकि अब आप लाहौर इंतजामिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी तैयार करदा टीमें बहरहाल फाइनल में जरूर पहुंची हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाफिज साहब, इससे मेरे ख्याल में कोई भी जो लाहौर में रहता है, जो लाहौर क्रिकेट को फॉलो करता है, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती।
और ये बड़ी बात है कि लाहौर की दोनों टीमें जब हम सेलेक्ट कर रहे थे ये हमें एहसास था कि ये अच्छी हैं, लेकिन ये एहसास नहीं था कि दोनों ही फाइनल खेलेंगी, और जो टीम जीती है हमारा ये ख्याल था कि वो नहीं जीतेगी, जो हार गई है हमारा ख्याल था वो जीतेगी। लेकिन T20 एक अनोखा खेल है। हैविंग सेड दैट, बड़ी अच्छी चीज हो गई है कि लाहौर की जो इस साल की परफॉर्मेंस रही है उसमें देखें सिलेक्शन एक पार्ट है जो हमने अदा की, ये खिलाड़ी खेले, टीम वर्क था, मैनेजमेंट, कोचेस, कप्तान, जो ग्राउंड में जिन्होंने सिलेक्शन की, ये सबको क्रेडिट जाता है कि वो किस तरीके से उन्होंने टीम को लिया। अगर आप हमारी टीमों की कायदे ट्रॉफी की भी देखें परफॉर्मेंस, तो इस साल रीजन में हम नंबर 1 पे हैं और दूसरी टीम नंबर 3 पे है, सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये साल तो हमारे लिए जहां तक टीमों की कारकर्दगी का है वो बहुत अच्छा रहा, और मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूं कि हमने जो एक ट्रेंड सेट किया है सिलेक्शन का, वो अब जो नई मैनेजमेंट है वो फंस गए हैं, अब उनको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो टीम का मयार गिरेगा, और जब टीम का मयार गिरेगा तो बहुत तनकीद होगी। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कोशिश करें कि मेरिट के ऊपर टीम ली जाए, आप अपने बच्चों को खिलाने के बारे में खुदा के वास्ते ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने बच्चे खेल रहे हैं और उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि जी हमारा बच्चा हर कीमत पे खेले, चाहे लाहौर की टीम जीते या ना। और हमेशा हम ये उनको बताते हैं, ख्वाजा नदीम साहब भी ये कहते थे कि यार लाहौर का सोचा करो, एक लेवल आ जाता है जहां पे जाके आप सिर्फ ये सोचें कि लाहौर की टीम जीते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारी सिलेक्शन में कुछ बेहतरी हुई जिसमें कोचिज ने भी हमारे साथ तावन किया और लड़कों ने परफॉर्म किया, तो ये लाहौर के क्रिकेट के लिए अब एक मतलब ऐसी चीज आ गई है कि अब इनको इससे एक स्टेप आगे लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इस पे रहें या इससे नीचे आए, अगले साल आपको अंडर 19 भी अंडर 16 भी ये भी जीतने चाहिए ताकि सारी ट्रॉफी आप खुद तो जीते नहीं अंडर 19, आप उनको कह रहे हैं ये बात आपकी ठीक है। इस साल अंडर 19 की अंडर 16 दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, बहुत बुरी रही है, और उसकी कई वजूहत है, वो अगर आपका प्रोग्राम करेंगे तो मैं उसको बता दूंगा आपको। अच्छा, आपने जिक्र किया है जी कि सिलेक्शन के एक मायार हमने मुकर्रर किया, उसको आगे लेकर चलना चाहिए और कारकर्दगी में निखार और बेहतरी आनी चाहिए। जहां तक आपने बच्चों की बात की है तो आप उस इंतखाबी अमल का हिस्सा रहे हैं जहां पर खिलाड़ियों का इंतखाब होता है, तो इल्जाम तो ये भी आते हैं कि आप भी बच्चे खिलाते रहे सारे अपने। अगर कोई मेरा बच्चा खेला तो मुझे जरूर बताया जाए, अगर मैंने कोई बच्चा खिलाया है अपना या अपने कोई रिश्तेदार का या कोई भी खिलाया तो मैं बिल्कुल ओपन हूं, ओपन डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर ताकि ये लोग लाइव देखें और पता चले कि वो कौन सा बच्चा है जिसको खिलाया। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो मेरे साथ मुंसलिक हो जिसका मुझे पता नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि एक दो लड़के ऐसे थे जिनको मुझे खिलाना चाहिए था, लेकिन मैंने ये समझा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने उन लड़कों के ऊपर लड़ाई नहीं की। मैं आज एतराफ करता हूं कि मुझे अपने बच्चे को खिलाना चाहिए था, जो लड़के खेले हैं मैंने 6 साल से उसको नहीं लौर खेलने दी, जिस मयार के ये लड़के खेल रहे हैं वो इनसे बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि बींग अ सिलेक्टर अगर मैं उसको लेता हूं तो ये तनकीद होती है, उस बच्चे पर भी प्रेशर आता है। एक और लड़का था लाहौर जिमखाना का, कायद खान, पहले साल उसको खिलाया गया था लेकिन प्रेशर आया, उसके बाद मैंने उसको नहीं खिलाया, वो लड़का भी जाया हुआ। शायद मेरी वजह से ये दो लड़के मेरी पॉलिसी से जाए हुए। जिस तरीके से पाकिस्तान में एक ट्रेंड है अपने बच्चों को खिलाने का, अगर मैं उस तरह करता तो शायद वो दोनों आज खेल जाते। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल मैं ओपन हूं, जिसने भी कोई लड़का ऐसा है जिसको वो समझते हैं मैंने खिलाया, हाँ कुछ प्रेसिडेंट के बच्चे मैंने जरूर खिलाए जिसके ऊपर मैं बहुत शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। बुच्चा साहब, इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन इतनी शफाफ नहीं थी फिर? नहीं, इस साल शफाफ थी तो आप जीते हैं ना, और इसलिए हम इलेक्शन हार गए, टीम हमने जिता दी, इलेक्शन हम हार गए। अगर दो एक लड़के हम खिला जाते तो हम इलेक्शन जीत जाते, टीम हार जाती। कॉम्प्रोमाइज आपने फिर सिलेक्शन इलेक्शन किया है? देखें जी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी प्राउड एंड सो इज नदीम वेरी हैप्पी। जो काम हमने करना था, जो हमारी 6 साल से ख्वाहिश थी, देखिये इंग्लैंड में ये बात है कि अगर यॉर्कशायर वेल अच्छा कर रही है ना तो इंग्लैंड की टीम नंबर 1 है। पाकिस्तान में भी याद रखिएगा, अगर लाहौर की क्रिकेट राइट ट्रैक पे है तो पाकिस्तान हमेशा अच्छी टीम पैदा करेगा, आप रिकॉर्ड देख लें ये वाला। अगर पाकिस्तान लाहौर की क्रिकेट नीचे जाएगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी नीचे जाएगी। लेकिन वो लोग ये कहते हैं जी कि इसमें लाहौर की कितनी नुमाइंदगी थी, सवाल फिर ये पैदा होता है कि उनकी अपनी क्या नुमाइंदगी थी और उनकी अपनी क्या कारकर्दगी है। ड्राफ्टिंग में आपने सारे पाकिस्तान से प्लेयर्स उठा लिए और ये क्रेडिट तो बाहर आ रहा है, दूसरे लोग भी उठा सकते थे, उनके पास ऑप्शन मौजूद था, लेकिन आपने बेहतर प्लेयर सेलेक्ट किए और आपको फायदा हुआ, लेकिन लाहौर की क्या नुमाइंदगी है? सर, इजाज़ चिमा अमेरिका से नहीं आए, कामरान अकमल बाहर से नहीं आए, और आगा सलमान, साद नसीम,
हफीज पिछले 6 साल से लाहौर खेल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं जिन लड़कों ने अहमद शहजाद लाहौर के हैं, जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है ज्यादातर सवाई मामूल हक के, जो कि पिछले 2 साल से अब लाहौर से ही खेल रहे हैं, तो ये सारे लड़के तो इवन बाबर आजम जो इनिशियल सारी उसकी क्रिकेट अंडर 19 तक है वो तो लाहौर से है। देखिए एक चीज आपको बताऊं, लाहौर बहुत बड़ा रीजन है, जब यहां पे कुछ लड़कों को मौका नहीं मिलता तो कोई इस्लामाबाद जाता है, कोई किधर जाता है खेलता है। आप एक चीज गौर करें हाफिज साहब, जो लोगों को पता नहीं है, अगर आप कायदेम ट्रॉफी की पूरी टीमों को निकाल लें तो आप हैरान होंगे कि 65% लड़के लाहौर के हैं जो सारी टीमों में होंगे, जो खेल रहे होंगे वो लाहौर के होंगे। देखिए हमारा इस वक्त तो जो हमने फॉर्मेट बनाना था ना जी, उसमें हमने ये पहले देखना था कि हमें सूट क्या करता है, क्योंकि एक चीज ये थी कि हम कहते हैं हमने नहीं ड्राफ्टिंग के ये लड़के लेने तो फिर हमारी दूसरी टीमें ले जाती हैं वो लड़के। हमने बेस्ट पॉसिबल लड़कों को उठाया ताकि हमारी टीमें जीते और उनको कॉम्बिनेशन दिया, और वो सारा कैजन ट्रॉफी में भी देख लें, साद नसीम की परफॉर्मेंस है, उस्मान सलाउद्दीन की परफॉर्मेंस है, लाहौर के लड़कों की परफॉर्मेंसेज हैं, इसी तरह फास्ट बॉलरों में भी हमारे लड़कों की, एजाज चीमा की तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है कैजन ट्रॉफी में एक टीम को जिताने में। तो ये कहना कि ये लड़के लाहौर से नहीं थे, ये ठीक बात है। जब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है ड्राफ्टिंग की, पीसीबी ने एक बना दिया है, फिर आपने ये देखना है कि हमारे पास किस चीज की कमी है, उसको आपने पूरा करना है। जो लड़के लाहौर के हैं लेकिन लाहौर से क्यों नहीं खेल पाते, फिर पूछा साहब की जिम्मेदारी तो है ना बहसियत मुंतजिम के, आप उनको इतना अच्छा उनके लिए सारी चीजें करें कि उनको किसी और जगह जाकर खेलने की जरूरत पेश ना आए। देखें जब आप के लड़के आपने 20 लड़के लेने होते हैं, तो जब आपने 20 लड़के लेने होते हैं उसमें आपने देखना होता है इतने नंबर ऑफ बॉलर्स, इतने बैट्समैन, इतने ऑलराउंडर और ये सब कुछ। उसके बाद लाहौर बहुत बड़ा रीजन है। देखिए हम कई दफा कह चुके हैं जैसे लाहौर में डिस्ट्रिक्ट होती है, अब वेस्ट जोन एक बहुत बड़ा जोन है, उसकी दो टीमें बहुत ज्यादती है उसके साथ, बहुत लड़कों को खराब होते हैं, उनकी कम से कम 3 से 4 टीमें होनी चाहिए वरना आप उन लड़कों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। अब हमें ये इसकी दलील ये दे दी जाती है कि जी पूरे पाकिस्तान की एक टीम बनती है तो आप भी बनाएं, तो उसी दलील के ऊपर आप एक चीज देखें, ये नर्सरी है, पाकिस्तान नर्सरी नहीं है, पाकिस्तान एक नेशनल टीम है, उसने खेलना है। आप नर्सरी के पर मत काटें, नर्सरी को बढ़ने दें, जितने पौधे लगेंगे जितना फल लगेगा वो आपके काम आएगा। अगर आप उसको काटेंगे, ये बात आपकी ठीक है, जो लाहौर की निचले लेवल पे क्रिकेट है उसमें हमें एक से ज्यादा टीमें चाहिए, हमारे लड़के बाहर जाके खेलते हैं, मगर जब ये फॉर्मेट अवेलेबल है आपके पास तो फिर आपने ये देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स आप किससे कर। अब मुझे ये बताएं कि तनकीद अगर की जाए कि हारिस सोहेल को आपने क्यों नहीं लिया, तो मुझे बता दें लाहौर में कौन सा ऐसा लड़का था जो हारिस सोहेल की रिप्लेसमेंट थी, नहीं था, जो थे वो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी खेल रहे थे। या तो हमें रीजन के पास इतना पैसा हो कि हम लाहौर का कोई लड़का बाहर ना दें, उनको इतने पैसे दें और उनको ये रीजन में रखें। अब जैसे कि आपको पता है कि ख्वाजा नदीम साहब ने एक स्पॉन्सर लाए थे और उनसे तकरीबन डील साइन हो गई हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा साहब के जाते ही स्पॉन्सर ने विड्रॉ कर लिया। अगर वो स्पॉन्सर आ जाता तो 3.5 करोड़ रुपए लाहौर के पास आना था और ये सारे प्लेयर हमने रिटेन करने थे, पूरे साल के लिए रिटेन करने थे और ये यहीं पर रहने थे, बट अब मुझे नहीं पता कि आगे कोई इतना स्पॉन्सर आएगा वो इनको रिटेन करेगा। ये सारी चीजें देखें, लाइफ कितनी है स्पोर्ट्समैन की, यू हैव टू पे देम, ये बड़ी ज्यादती है कि उनके कैरियर में आप उनको 20,000 रुपए महीने पर रख लें। ये आपके बाईं तरफ बैठे हैं आमिर नजीर साहब, लाहौर ने इन्हें भी नहीं खिलाया था, मुझे याद है, मैं तो इनसे पहले ये डिस्कस कर रहा था कि आप तो सारे भुगत चुके हुए हम लोग, आप भी लाहौर से नहीं खेले थे जी। बिस्मिल्लाह साहब, लाहौर पहले तो मुबारकबादी, लाहौर जीता तो जीता ही है ना, मगर लाहौर ने बहुत ज्यादतियां की हैं, लाहौर ने जितनी ज्यादतियां की हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने क्रिकेटर क्लबों को लड़कों को खुश करने के लिए बहुत गंदी सियासत है लाहौर की आवाज़। अब ये कह देना आज दोनों टीमें चैंपियन हो गई आ गई है, ये कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं ये बता रहा हूँ जी जीत है, मगर आप देखिए नीचे कितना बच्चा जाया हो रहा है, कितने क्लबों के बच्चों को आप खुश कर रहे हैं, अंडर 19 अंडर 16 का म्यार आपको तबाह। मैं 2 साल से देख रहा हूँ हमारे बच्चे ऊपर आ नहीं रहे अंडर 19 में। अगर मैं जूनियर सिलेक्टर बैठा ना, आपको यकीन माने मुझे बड़ा अफसोस होता है। बाकी सारे कराची पसंद है, बलोचिस्तान से इतना टैलेंट आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले साल एशिया कप में उसे 11 पठान थे, कोच भी पठान, फिजियो भी पठान। आप ये देखो यानी कि लाहौर कराची पिंडी ये सारा पीछे आ रहा है और बलोचिस्तान क्वेटा पिशावर ऊपर जा रहे हैं, वो क्या वजह फसा, ये हमें सारे रीजन को देखना पड़ेगा क्या वजह। देखें क्लबों को खुश जरूर करें, ये नहीं मैं कहता उन्होंने क्लबें भी चलानी है, उन्होंने भी जवाब बच्चों को जवाब देना होता है, इनकी भी मजबूरियां हैं। आप लाहौर से क्यों नहीं खेले थे? अब सब मैं करो 32 दिन था जब इन्होंने लाहौर से नहीं खिलाया, ऐसे ऐसे मैं कहता हूं नाम लूंगा आप परेशान हो जाएंगे, जिनको क्रिकेट का आदत है जो पैसे दो खेलो ये चलता रहे और फिर चलेगा काम।
अब फिर चलेगा चलेगा मैं ललानिया कहता हूँ पहले जो चलते थे आओ कितने पैसे आओ खेलने पांच मैच होते थे इंग्लैंड में पहले पांच पूरे कराने इतने पैसे तो खेलते होता था अब ये बात नहीं आपसे हुदाया ये चीजें खत्म होनी चाहिए अब देखें लाहौर की दोनों टीमें फाइनल में आई हैं हम इसको स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाना है अब ठीक है आपने कहा लेकिन मुझे एक, जिन दिनों में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और फिर जब आपको डोमेस्टिक सर्किट में खेलने का मसला था उन दिनों तो कप्तान जी भी बड़े साहब कप्तान जी को मैं सलूट करता हूँ पीएनटी का था ना मैं पीएनटी का कितने उधर मतलब नवाब मंसूर जी साहब होते थे अभी भी है ना ज़ैदी साहब के होते मैं खेल सकता था ना मगर नहीं मुझे उन्होंने खिलाया अब ये अब इसकी वजह ज़ैदी साहब से पूछ सकते हैं सब कुछ चीज मेरे थी नहीं खिलाया मैंने नहीं कहा कप्तान जी को मेरा पता था मगर उन्होंने मेरिट पे हर काम करवाया और जिसकी बिना पे हुआ एक बात जो आमिर ने कही है ना इस बात का मुझे बिल्कुल इतराफ करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है लाहौर रीजन की अंडर 19 और 16 की टीमों का मियार इतना गिरा है पिछले साल में इतना गिरा है आप सोच नहीं सकते इससे ज्यादा शर्मिंदगी नहीं हो सकती वजह क्या पूछा सर उसकी वजह यह है कि जिस लेवल पे ये उसके रिएक्शन में ख्वाजा नदीम ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि आपने किसी की सिफारिश नहीं लेनी तो ये टीमें जीती हैं क्योंकि उन टीमों की इतनी बुरी कारकर्दगी थी क्योंकि आप ये देखें कि कभी ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम में अंडर 19 में लाहौर के छह लड़के ना हो क्यों जी इस बारी को लड़का था एक ही आया ज्यादा ये इतनी शर्मिंदगी और उसके लिए भी एक किसी एक बंदे ने बहुत कोशिश की हुई है मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये लम्हा फिक्री है ये ठीक कह रहा है कि हमारा ये इस पर कोई नहीं बात कर रहा जहां से आपने क्रिकेटर प्रोड्यूस करना है वहीं पे ये चोरों का सारा राज है सर आप जिम्मेदार है ना सर मैं आपको बता रहा हूं वहां उस लेवल पे हम वही लेवल पे ख्वाजा साहब ने जो कॉम्प्रोमाइज किया अंडर 16 पे जितना दबाव और अंडर 19 के ये बच्चे अपने लेके आ जाते हैं जोन्स के लोग प्रेशर डालते हैं वहां पे सिलेक्शन इस तरह की नहीं एक ये दूसरी बात एक अमेजिंग चीज हुई है इस बारी और इसका मैं डिसक्रेडिट कोचेस को देता हूं जो दोनों लाहौर के थे इस बारी सीनियर कोचेस भी इन्वॉल्व थे अंडर 19 का कैंप तकरीबन 1.5-2 माह का था जी लेकिन हैरान कुन बात यह है कि 3 महीने के टाइम में जो अंडर 19 की बैट्समैनों की परफॉर्मेंस वनडे में थी उससे भी बुरी परफॉर्मेंस थी थ्री डे में तो मुझे नहीं समझ आती और फील्डिंग मुझे आके कहते थे जी 4-4 कैच कर रहे हैं तो मैंने ये सवाल किया तो कोचिंग तो आप कर रहे थे ये चीज तो आप कर रहे थे इस बारी बहुत बुरी तरीके से अंडर 19 की अंडर 16 टीम और हैंडलिंग भी बहुत बुरी थी पैसे भी मैं नहीं पैसे तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हैंडलिंग आमिर नजीर साहब नहीं वो जो आमिर बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है वो एक एरा की बात कर रहा है और वो एरा अब दोबारा आ गया है अब ये होगा या नहीं होगा मैं पहले उससे नहीं कहना चाहता लोग वही आ गए हैं आप लेकिन एक फर्क है पहले मीडिया नहीं था अब आप तक ये बात फौरन पहुंचेगी ऑलरेडी आपको पता है 2 लड़के हैं एक लड़के ने आग लगाने की कोशिश की एक ने खुदकशी करने की कोशिश की है एक लड़के ने पीसीबी को 4 वार्निंग लेटर डाल चुका है कि मेरे से पैसे लेके मुझे ये दुबई और इधर लेके गए हैं मेरे से वादा था डिस्ट्रिक्ट का अब पीसीबी हैज टू रिएक्ट ठीक है एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन इकराम हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान की भारत के साथ क्रिकेट सीरीज के हवाले से और नेशनल T20 के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के है कितना दबाव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आएगा और ये कहाँ जाएंगे जी बच्चा साहब सर बहुत बोझ है ये वाकई आपने कहा मेरे ख्याल में बाज दफा ऐसा होता है कि सिलेक्शन कमेटी खुद सोचती है कि हम किधर फंस गए बिकॉज देखिए एक बड़ा उनको अपने आप को क्लियरली डिफाइन करना है कि हमारा गोल क्या है नेक्स्ट गोल क्या है कौन सी चीज आगे आ रही है ये T20 की परफॉर्मेंस है इसे खुदा के लिए टेस्ट मैच की टीम ना बना लीजिएगा मैं T20 की बात कर रहा हूं या वनडे को उसमें रखें इनको डिसाइड कर लेना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल कि कामरान जैसा हिटर और बैट्समैन इसको इन्होंने अगर खिलाना है तो कैसे खिलाना है एज अ बैट्समैन एंड अ फील्डर खिलाना है तो फिर तो सर उसके ऊपर इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्रिकेटर है उसको फील्डिंग के ऊपर उसकी मेहनत किया जाए लेकिन जो चीज उसने दिखाई है इस टूर्नामेंट में उसके बराबर का कोई ओपनिंग बैट्समैन नजर नहीं आया पार हिटिंग बहुत जरूरी है इस वक्त और क्लीन हिटिंग ओपनर में तो एक तो उसने बहुत प्रेशर डाल दिया है बोर्ड के ऊपर सिलेक्शन कमेटी पे उसने बड़ा प्रेशर डाला है कि मुझे आप किस तरह आप इग्नोर करेंगे ठीक है मगर सिलेक्शन कमेटी को यह डिसीजन लेना है कि फ्यूचर में कामरान अकमल कहां है मैं समझता हूं कि अगर मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक अभी इन द रन है तो कामी की जगह बनती है आपके पास ओपनर तो उसके साथ करनी है कोई और दूसरी बात यह है कि एक बंदा खामोशी से परफॉर्म कर रहा है 2 साल से लेकिन वो मेरे ख्याल है स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आ रहा मुख्तार अहमद सलमान भट्ट मैं पुरानों की पहले बात कर ठीक है सलमान भट्ट चुपके करी जा रहा है और वो इग्नोर हो रहा है पीएसएल में भी नहीं है
میرے خیال ہے بورڈ کو اپنی پالیسی ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ اگر ہم نے محمد عامر کو کھلانا ہے تو ٹیکنیکلی ویسے بھی ہی از ون آف دا بیسٹ اوپننگ بیٹسمین دیٹ یو ہیو ان دا کنٹری, اس کے فیوچر کے بارے بھی ان کو کچھ سوچنا چاہیے یہ کیا کرنا ہے. یہ تو دو وہ ہیں, اور احمد شہزاد تو خیر ابھی ان اینڈ آؤٹ ہی ہے تو چل رہا ہے تو وہ اس کا پریشر وہاں ہے. پھر ہے کہ اب امام الحق بڑی تیزی سے, مجھے اس کے بارے میں بڑی اپریہنشنز تھی کہ وہ بڑی کرکٹ کا زیادہ پلیئر ہے, ٹی ٹوینٹی میں میں اس کو کبھی نہیں, لیکن جس طریقے کی اس نے اننگز کھیلی ہیں ٹھیک ہے وکٹیں بہت اچھی تھیں, ایسی ہی وکٹیں ہونی چاہیے, وہ کافی یعنی کہ جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اسٹیپ آپ نے اوپر جانا ہے, آپ نے ایک اسٹیپ لیا پھر دوسرا لیتی, یہ اس لڑکے نے اسٹیپ نمبر ٹو بھی لے لیا, اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہی از یور فیوچر ان مائی اوپینین, آئی کوڈ بی رانگ, میرے خیال میں اس کے اوپر اور مختار کو بھی اب اگنور نہیں کرنا چاہیے, کائزم ٹرافی سے لے لیں مشکل وقتوں پہ اس کی پرفارمنس, اور اس میں بھی یہ وہ بچے ہیں جن کے اوپر بورڈ کو سیریسلی سلیکٹرز کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے فیوچر میں ان کی پوزیشن کیا ہے. جب تک آپ یہ کلیئر نہیں نہ کریں گے, آپ نے سوال پوچھا تھا سلیکشن کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے, یہ دیکھنا کہ یہ ہمیں چھ مہینے کے بعد ٹورنامنٹ آ رہا ہے اس میں یہ بچوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں, اور ان کا فیوچر ہے یا نہیں, ان کی فٹنس لیول ہے, خاص طور پہ جو پرانے ہیں ان کی فٹنس لیول کیا ہے. اگر ان کی فٹنس لیول ٹھیک ہے اور یہ پرفارم کر رہے ہیں, وائی ناٹ گیو دیم اے چانس. لیکن اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہیں جو آل راؤنڈرز ہیں جن کی آپ نے بات بھی کی ہیں, پاکستان کرکٹ میں آل راؤنڈرز ختم ہو رہے ہیں, آپ کو دو چار بچے آئیڈینٹیفائی کر لینے چاہیے اس ٹی ٹوینٹی سے اور ان پہ ورک کرنا. میں لاہور کے لڑکوں کی بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے, ایک سعد نسیم اور ایک جو آف اسپنر ہے ہمارا لڑکا, بہت عرصے سے وہ پرفارم, آغا سلمان, یہ دو آل راؤنڈر کے پاس, لیفٹی نہیں سر رائٹ آرم آف اسپنر بیٹنگ رائٹ ہے, یہ دونوں لڑکے ایسے ہیں لاہور کے جو میرے حساب سے, خواجہ صاحب کے حساب سے, ہم نے انزی بھائی سے بھی بات کی تھی, ان کے اوپر محنت. رضا علی ڈار بھی تو کافی ٹائم سے کھیل رہے ہیں سر, رضا علی ڈار کا تو میں رضا علی ڈار لیفٹی جی رضا علی ڈار کے ساتھ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ناراض ہوں گے, دونوں میرے دوست ہیں بچے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سلمان بٹ سے اس کے ساتھ کیا سلوک آپ نے کیا ٹی ٹوینٹی, آپ دیکھیں اس بچے کے ساتھ کیا سلوک. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال لاہور کو جتانے میں اس بچے کا ون ڈے میں ہاتھ ہے کتنا بڑا, اس کی اننگز, اس کی بالنگ, آپ ذرا چیک کریں کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں اس نے کتنے اوور کیے, میرے خیال ایک کیا ہوگا شاید, یہ بڑی زیادتی ہے اس بچے, بیٹنگ بھی ذرا بڑی اعتماد کے ساتھ کرتا ہے سر, وہ اس سکور اس کا بہت تھا, میں اس کا نام بھول گیا, خیزن ٹرافی میں سکور ہے, لاہور لائنز کی ٹیم میں ریگولر پلیئر ہے, چھ سال سے لاہور رائل ٹیم کو جتاتا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, اس کو باری بھی نہیں ملی, میچ بھی نہیں ملے, اور جو ملا تو ایک اوور دیا گیا اس لڑکے کو, جو آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. یہ ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے ایسے لگ, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا ہمارے یہاں رواج ہے کہ کسی پلیئر کو بننے نہیں دینا, ہمارا اپنا کم بیک ہی ہونا چاہیے. بہت سخت رضا علی ڈار کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ زیادتی کسی ینگسٹر کے ساتھ نہیں ہو سکتی, آپ نے اس کو دو سال پیچھے دھکیل دیا ہے اس ٹورنامنٹ میں نہ کھلا کے, ایک پرفارمر لڑکے کو جب آپ عامر کے ساتھ بیتی ہوئی ہے نا, اس سے بہتر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ جب آپ ایسی بات کریں ان کو ذرا نہیں, بیکاز اس کھیلا اور پھول جانا سر, اگر عمران خان نہ ہوتا یہ ٹیسٹ میچ بھی نہ کھیلتا, صحیح کہہ رہے, اس سے یہ پوچھ لیں جو ہماری روایت ہے, یہ تو خان صاحب کو عادت تھی کہ جو ان کو پسند آ گیا انہوں نے کہا میں نے اس کو کھلانا چاہیے, ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, جیسے ہی وہ گئے ان کا فیوچر بھی ختم ہو گیا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں اس کے بعد انہوں نے باؤنسر بہت مارے نا نیٹ میں. صاحب میں بتاتا ہوں کہ اس میں نا جو ٹی ٹوینٹی ہوئے سے پاکستان کرکٹ کو بہت عمل دخل ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ون ڈے کپ پاکستان کپ ہوا تھا گرمیوں میں, گورنمنٹ کو میں داد دیتا ہوں, میں سلوٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو, جو ڈے بائی ڈے میچ ہونے اور وکٹ کو کیسے پریپئر کرنا ہے, اور وہاں سے ہمیں ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی کی کہ رنز نکل چاہیے, بیٹس مین رنز کرے گا تو کراؤڈ آئے گا, اسپونسر آئیں گے تو کریڈ اچھی ہوگی, ہائی اسکورنگ میچ, یہ ہوگا کہ 70 پہ ٹیم آؤٹ ہو گئی تو وہ مزہ نہیں آتا. میں سلوٹ کرتا ہوں جناب کامران اکمل کو جس نے اس پورے ٹورنامنٹ ون مین شو تھا, اور اس بندے نے جو اننگز کھیلی ہیں اسے لگا کہ پاکستان کی ٹی ٹوینٹی کا معیار جو ہے نا جو یہاں پہ تھا نا اب وہ آ گیا.
ठीक है, और उसका ये क्रेडिट पाकिस्तान के वो जाता है जिन्होंने ग्राउंड्समैन को जो हदायत दी, जो विकेट बनी, और ये अभी तक पीएसएल आने वाला है। पीएसएल में ये बच्चों ने अपने आप को शो करा दिया, जैसे इमरान सर आपने बच्चों का नाम लिया, उमैद आसिफ, ये रजा रिडार, ये वो चे, ये हमारे फ्यूचर है। और ये हमारे चीफ सिलेक्टर्स को, जितने भी सिलेक्टर हैं सीनियर, को खुश होना चाहिए कि इन्होंने मेहनत की, इन्होंने बच्चों पे नजर रखी, और इनको डर नहीं है पीछे। ये कहना गलत है। मैं भी शुरू आपसे कितने साल में लोग कहते हैं टैलेंट नहीं है, और भाई अब तो 20-25 लड़के पीछे बैठे हैं, बेंच मजबूत है हमारा, एक जाएगा दूसरा आएगा, अब वो वाला बात नहीं है वो यार पीछे भी यार कूड़ा ही पड़ा। नहीं भाई जान, अब 100 बाहर है तो 100 अंदर भी है, ठीक है, अब मजा आएगा। सिलेक्टरों को परेशान होने की वाली बात कोई नहीं है, और उनको खुश होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा इंजरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां से उठाया इधर लाके रख दिया। 1000 रन किए थे सिलेक्टरों ने, उनको सिलेक्ट नहीं किया अंडर 19 में। देखिए कौन से वाला 1000 रन खिला तो दिए एशिया कप उसको, 1000 रन खिला जिसको आपने रिजर्व में डाल दिया था। अब मोहम्मद आरिफ नहीं, नहीं आवाज साहब देखिए हमने हर सारी, इन्होंने अहमद अकरम साहब को नहीं डाला, उसने जोन में टॉप किया था, किसको नहीं डाला, कायदम ट्रॉफी में पूछा साहब। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं ये बात बिल्कुल करना चाहता हूँ, जो भी सुन रहा है, मैंने बिल्कुल उसको सही नहीं डाला था। मुझे बताएं किसकी जगह पे वो डालता था, आप उसकी रिप्लेसमेंट बताएं कि कौन सा लड़का था जिसकी जगह पर वो लड़के ने परफॉर्म किया। कोई शक नहीं, उस लड़के ने पिछले साल के निस्बत इस साल बहुत इंप्रूवमेंट किया है। उस बच्चे से मेरी खुद बात हुई है, उसको रिप्लेसमेंट में भी मैंने लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो डलता किसकी जगह पे था। इस टीम में मैं आपको बताऊं, एक लड़का सारी टीम में डाउटफुल था, वो कौन था जी? और वो उसका था जिसने मैं वोट नहीं डाला। वो लड़के का नाम नहीं लूंगा, वो एक विकेट कीपर था एक टीम का, ठीक है जी, वरना ये सारी टीम में कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसको आप बाहर निकालते और उसकी जगह पे दूसरा लड़के लगाते। इस साल बहुत लड़के ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत थी, 80-80 की एवरेज के साथ बैट्समैन थे जो बाहर बैठे हुए, जिसका मुझे दिली अफसोस है, लेकिन ये सिस्टम ड्राफ्टिंग का और ये मिला के ऐसे था कि जो कैजम ट्रॉफी के परफॉर्मेंस है उनको नंबर वन, ग्रेड टू के परफॉर्मेंस नंबर टू, डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर नंबर थ्री। अगर हम रहते तो हमने यह फैसला कर लिया था कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट में एक साल का परफॉर्मर हम नहीं खिलाएंगे, लड़के को कम से कम 2 साल सीनियर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करना चाहिए कि वो कैजम ट्रॉफी लाए, क्योंकि ग्रेड टू से लेवल ऊंचा है, ठीक है, ग्रेड टू वाले को हम पहले देंगे और कैजम ट्रॉफी का पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है उसको चांस देंगे। 1000 वाला आपने नहीं खिलाया, 1000 रन किए थे, कौन सा वाला नाम था वो जो आपने एशिया कप में रिजर्व में डाल दिया था आरिफ को? हाँ हमने खिलाया साहब, वो इंजरी होगी, वो अंदर जैद आलम इंजर्ड हुआ, आरिफ को खिला दिया, अब उसने वो 5 मैच खेला, उसके 70-80 रन। जैद आलम के बारे में क्या? जैद आलम माशाल्लाह फिट हो गया साहब, अच्छा, तो अब वो काफी एनसीए में उस पर वर्क हो रहा है, उसकी इंजरी पूरी मुकम्मल तौर पे हील हो चुकी है। हाँ। तो अब उस पे अच्छा मुझे बताया नेशनल T20 कामरान अकमल बड़ा उमदा खेल, मैं कहता हूँ जी दाद देता हूँ जी, मैं उसने जो खेला ना उसने, मैं कहता हूँ उसने T20 को जिंदा कर दिया। मुख्तार अहमद के बाद, मुख्तार अहमद देखिए हाफिज साहब, ये मैं पता क्यों खुश हो रहा हूँ, जैसे सोए मकसूद भी आप ले लें, इन बच्चों ने इनको देखिए अक्कल आई है, यही चीज है। आप बैड परफॉर्म जाते हो जाओ वापिस, नर्सरी में जाओ, अपने डोमेस्टिक में जाओ, T20 में जाओ, फोर्टी में जाओ, वहां पे काम करो। मैं कहता हूँ हाफिज साहब, जो प्लेयर होता है ना सिलेक्टर उसको कभी नहीं रोक सकता, जैसे कामरान अकमल को नहीं आप रोक सकता, तो इन मुख्तार को, सोए मकसूद को, बड़े बच्चे हैं ये आएंगे, इन्होंने इन्होंने सोचा है समझा है, वो भाई मैं क्या, ये वक्त होता मुझे सलूट करते थे, अब तो कोई करता ही नहीं है, ना मुझे हाथ कोई नहीं मिलाता। अब उन्होंने कहा नहीं मेहनत करो भाई, ग्राउंड आपके पास दी है, आप मेहनत करो, आप देखे टीवी पे मैच आ रहे हैं, सिलेक्टर वहां बैठे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको दे रहा है, आपके योर जो आपके दोस्त हैं, फैमिलीज हैं, आपको वॉच कर रही है, आपने इंप्रूवमेंट की है ना। सोएम सूद का मैं नाम क्यों ले रहा, मैं आपका बुरा मुहाफिजा भी, ये क्या बात हुई 20-25 लाख उठा के मार, नहीं क्रिकेट ये नहीं है, इंजी भाई का उसको हम दे रहे थे, मगर वो शुक्र है कि दिया नहीं गया था, अभी बीच बीच में था, मगर दे था बस उसने कमबैक अच्छा किया, बहुत अच्छा बात है बस। देखिए आप बैठ के हम बात करें ना, बच्चा जो अच्छा करेगा हम उसको अच्छा ही कहेंगे, बहुत अच्छा मुख्तार, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है, उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है मुख्तार ने, देखिए ना बहुत अच्छी खेली है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे टूर्नामेंट को अगर आप गौर से देखें ना, तो पूरा टूर्नामेंट कामरान अकमल तमाम बैट्समैनों से इतना ऊंचा ना, कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब जब आप बात करते हैं ना, तो सिलेक्टर्स के लिए उसको इग्नोर करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मुझे नहीं समझ आती कि अगर उसको इग्नोर करेंगे तो क्या जस्टिफाई, ज्यादा यही कह सकेंगे कि जी क्योंकि कप्तान है, जगह नहीं, कप्तान है और ये विकेट कीपर है, फील्डिंग नहीं कर सकता, इसके अलावा उसकी कोई, उसको रोक कोई नहीं सकता। मेरे हिसाब से वो क्लास ही डिफरेंट लगी है, मैंने तो इतनी बड़ी बात कर दी थी, कामरान भी अब ये कहेगा रोक सको तो रोक लो, नहीं मैंने देखिए मैंने तो इतनी बड़ी बात कर दी थी कि ये इस इनिंग का मुकाबला आप विव रिचर्ड की जो इंग्लैंड के खिलाफ जो की थी, ये उस इनिंग के साथ आप मुकाबला करें, ये ऐसी क्लासिक इनिंग थी, ये बहुत जबरदस्त। अहमद शहजाद,
احمد شہزاد نے بہتری کی ہے, بہت بہتری کی ہے, بٹ مجھے یہ خوشی ہے کہ وہ ذرا کھلا کھیل رہا ہے, اپنی ٹینشن اتاری ہے. اگر وہ اس طرح کھلا کھیلتا رہے نا, دیکھیں یہ کرکٹ بڑی فنی گیم ہے, اگر آپ ڈرتے رہتے ہیں نا تو اس میں جو ڈر گیا وہ مر گیا, بولڈ ہونا پڑے گا آپ کو. وہ کھلا کھیلتا رہے گا تو میرے خیال ہے اس کو سوٹ کرے گا, اس میں کیپیبلٹی اور ٹیلنٹ ہے. وہ جب ہم نے اس کو لاہور میں سلیکٹ کیا تھا 6-7 سال پہلے تو ہمیں وہ بہت بڑی خوشی ہوتی تھی, ہمیں نظر آتا تھا یہ فیوچر ہے. اس نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا. میرے خیال میں اس بچے میں ٹیلنٹ بہت ہے, اگر وہ چاہے اس پہ محنت کرے اور مینٹل سائڈ اپنی کو ذرا پازیٹو کرے اور جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان سے فوکس ہٹا کے صرف پیورلی کرکٹ کے اوپر فوکس کرے. ایک ہوتی ہیں غیر نصابی, ایک ہوتی ہیں ہم نصابی. یہ ہم فوکس اس کا ذرا ہے نا, ہم نصابی سر کریں, صرف کرکٹ پہ فوکس کریں. میں یہ کہوں گا عمر امین بہت اچھا کھیلے ہیں. عامر نذیر صاحب, صاحب دیکھیں عمر امین کو ابھی ریسنٹلی پاکستان ٹیم سے کھیلا, ٹی ٹوینٹی کھیلا, کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں, اس کا بیٹنگ آرڈر بھی چینج ہوا ہے. سب بچے اسی طرح محنت کر رہے ہیں, یہی میں آپ کو بتانا چاہوں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان بچوں نے لائز کیا ہے کہ یار ہم کہاں تھے, ہم اب کہاں پہ آ گئے ہیں. پاکستان کے جو سلیکٹر نے موقع دیا, مزہ آ گیا, اب ٹی ٹوینٹی میں جا کے پرفارم کیا. سلیکٹر بھی کہہ سکتے کہ ہماری جو ہم نے کھلایا تھا اوپر, یہ نیچے بھی بچے پرفارم کیا. امام الحق لے لیں, اس نے 100 کیا, عمر امین کو کھلایا, اس نے رنز کیے. میں کہتا ہوں یہی سب سے جیت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی. اب یہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے سب کو کہ جی یہ بچے نہیں ہیں, ٹیلنٹ نہیں ہے. بھائی پی ایس ایل چھٹی بھی آ گئی ہے, چھٹی میں بھی یعنی کہ ہمارے کرکٹر آئیں گے. اب یہ سارے بچے کہاں سے آئے ہیں؟ صحیح بات, سوائے اوورسیز نکال دیں, سارے ڈومیسٹک سے آئے ہیں, کلب سے آئے ہیں, ریجن سے آئے ہیں. وہ سب کو کون چلا رہا ہے؟ سارا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ چلا رہا ہے. اچھا جی بچا صاحب, قائد اعظم ٹرافی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یا ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ جو فارمیٹ تھا جس میں 16 ٹیمیں ہیں, ریجن اور محکموں کی اکٹھی کھیلتی ہیں, اچھا فارمیٹ آپ کو لگتا ہے کہ جب شروع ہوا تھا اس وقت تنقید بھی ہوئی تھی, لوگ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے یا پھر آپ کے خیال میں الگ الگ ہی کھیلنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اس کے پلس بھی ہیں اور مائنس بھی ہیں. اس کا پلس یہ ہے کہ اس میں کیونکہ ڈرافٹنگ سے لڑکے لے لیے ایک معیار بہت بلند ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا بہت زبردست بیک لیش ہے اور نقصان ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو آج 2-3 چیزیں بڑے غور سے سوچنی ہیں, اور میں آئی ہوپ کہ کوئی یہ دیکھ رہا ہے اس بات کو سن لے, ورنہ کیونکہ ہماری بات سنتا کوئی نہیں. سر سیالکوٹ ریجن, فیصل آباد ریجن, ملتان ریجن, اب کراچی کی ایک ٹیم باہر, یہ بہت خطرناک کام ہے, ان کو باہر نہیں ہونا چاہیے. سر تو سر وہ ٹیمیں گریٹ ٹو جیتے, میری بات سنیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے. دیکھیں صورت آپ حال آپ کی ٹھیک ہے, یہ جو ریجنل لیول پہ بھی اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کو بھی کریکٹ. دیکھیں نا پی سی بی کا کیا کام ہے, صرف ریجن پریزیڈنٹ بن گئے, وہ پریزیڈنٹ ہی بن گئے, ان کو مانیٹر کرے تمہاری ٹیموں کو کیا ہو رہا ہے, ویئر آر یو گوئنگ رانگ, سلیکشنوں میں غلطی ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ان سب میں سے سیالکوٹ کا, یہ مجھے بہت دکھ ہے. چیمپئن, چیمپئن 3-3 دفعہ چیمپئن ہوئی ہے, ان کے حالات یہ ہو رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے, کیونکہ اگر آپ کے یہ ریجنز تباہ ہوتے گئے اور یہ ختم ہوتے گئے تو ایونچولی کراچی کی ایک ٹیم ہوگی. سر بہت بڑا ریجن ہے, یہ ہم سوچ نہیں سکتے, تو یہ بھی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے, ہمیں اس کے اوپر بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. اور بورڈ کو ان کو بلا کے ان سے انکوائری کرنی چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا, بورڈ کیا کر سکتا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے. میرے خیال میں ایک تو جو ہر ریجن کو پرابلم ہوتی ہے, ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے. میرے خیال میں سلیکشن میں جو پریشرز ڈالتے ہیں کلب کے, کچھ سلیکشن ان کی غلط ہوئی ہیں. اس کے بعد ریزسٹ کیا تھا ہم نے بھی, پہلے سال ریزسٹ کیا تھا یہ جو ڈرافٹنگ کا سسٹم ہے. دیکھیں اس کے نقصان, اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سارے بڈنگ پلیئر جو ہیں نا وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا اس باری میرے خیال میں کم از کم 8-9 لڑکے باہر رہ گئے ہیں جو شاید کھیل جاتے قائد اعظم ٹرافی اگر صرف ریجن ٹو ریجن کھیل رہے ہوتے. وہ جو 8-9 لڑکے باہر چلے گئے ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹ بنائے نا. ریجن ریجن کا کام ہے کہ اپنے ان پلیئرز کے لیے کچھ اس کا متبادل نظام نکالے. جی اس کا متبادل تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ریجن کے پاس پیسے دیں اور ریجن اپنی اکیڈمیز لگائے, ان کے ٹور کرائے, ان کو پاکستان سے باہر لے کے جائے, کرنے کو بہت کچھ ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب ان کے پاس پیسے آئیں. اگر 7.5 کروڑ روپے ہم ایک فضول سی فضل محمود کرکٹ کلب ٹورنامنٹ کے اوپر ضائع کر دیں گے, اگر آپ چیک کیجیے گا ان پہ کتنا ضائع ہوا. ابھی بھی ایک میچ, دوست ہی ڈائریکٹر تھے اس کے جو بھی تھے, ابھی آپ جمخانہ گراؤنڈ میں ایک میچ ہو رہا ہے, یہ شروع ہوا تھا کہ 2 انڈر 19 کے پلیئر ہوں گے, 2 35 سال کے پلیئر ہوں گے, باقی سب 30 سال سے کم عمر کے ہیں. اس وقت جمخانہ گراؤنڈ میں چلے ہیں, جمخانہ کی طرف سے 4 اور دوسری کی طرف سے 7 35 سال کے اوپر کے لڑکے کھیل رہے ہیں. اور یہ ٹورنامنٹ کا یہ حال ہے کہ آج اسکورر بھی گراؤنڈ میں نہیں آیا.
ये सारा वेस्ट हो गया। और आप किसी से बोर्ड में बात करेंगे ना, वो दूसरे पे डाल देगा, वो कहेगा ये मेरा बेबी नहीं था, ये उसका बेबी है। एक शख्स ने मुझे ये कहा कि बुच्चा साहब खुदा का वास्ता जेडी भी टीम खिला दे, मैच जान चढ़ते हुए नजर नहीं आते, लेकिन जो कारकर्दगी इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दी है, पावर हिटिंग का लफ्ज लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में गुज़िश्ता कुछ अरसे में अगर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान के बाद कोई एक बॉलिंग ऑलराउंडर, अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर जिसने कुछ अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, तो वो बिलाशुबा अब्दुर्रज़ाक हैं। खेल के उन तमाम शोबे में जहाँ जहाँ इन्हें बैटिंग का, इन्हें बॉलिंग का मौका मिला, इन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए कई ऐसे मैचेस इन्होंने जितवाए जिसमें कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैच का पासा पलट सकता है। अब्दुर्रज़ाक ने कई एक मैचों में तनहा पाकिस्तान टीम को मुश्किल सूरत हाल से निकालते हुए फतह दिलाई, और कई एक ऐसे मैचेस थे जहां पर अपनी बैटिंग से, कई एक मैचेस में अपनी बॉलिंग से। और शायकीन क्रिकेट को आज भी याद होगा कि 99 के वर्ल्ड कप में जब ये वन डाउन खेलने के लिए जाते थे टॉप ऑर्डर में, तो उस वक्त इनको जो किरदार मिला था कि इन्होंने गेंद को पुराना करना है, क्रीज ऑक्यूपाई करना है, तो बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने वो निभाया। और उसके बाद रिवर्स स्विंग भी करते रहे, रिवर्स स्विंग से बैट्समैनों की विकेटें उड़ाते रहे, बड़े बड़े शॉट्स लगाकर इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के खिलाफ, तमाम जो टॉप क्लास बॉलर्स थे उनके खिलाफ इन्होंने जारहाना इनिंग्स से, जारहाना बल्लेबाजी से अपनी अपनी बर्तरी साबित की। मैग्रा के खिलाफ 4-5 चौके एक ओवर में आज भी लोगों को याद होंगे जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, फिर श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने जब आखिरी ओवर्स में विकटें हासिल करके पाकिस्तान के लिए मैच जीता, फिर मोहाली में जब इन्होंने कामरान अकमल के साथ मिलकर एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और मैच का पांसा पलटा पाकिस्तान के हक में, बहुत सारी ऐसी कारकर्दगी हैं। फिर आज भी शायकीन क्रिकेट को याद होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में जिस तरह से इन्होंने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए मैच जीता। तो बैंग बैंग अब्दुर्रज़ाक को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और उनके क्लब के साथी आमिर नज़ीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह मैं 40-45 के हो गए होंगे, तो और भी आपको हैप्पी बर्थडे, 36 साल के हो गए, 36 साल के हो गए, तो मेरी पीएनटी क्लब से भी और पूरे पाकिस्तान को, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी अब्दुर्रज़ाक, लोग पार हिटर्स को मिस कर रहे हैं, लेकिन अब्दुर्रज़ाक का किरदार किस तरह से देखते हैं आप? इन्होंने उस दौर में जब ये पावर हिटिंग का लफ्ज आज शुरू हुआ, लेकिन अब्दुर्रज़ाक एक बड़े मुस्तनद पार हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो अब्दुर्रज़ाक है वो एक बहुत पाकिस्तान में जिनको कहते हैं ना कम हुए हैं इस पाए के ऑलराउंडर नहीं हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम शुरू में देखें कि अब्दुर्रज़ाक कैसे थे और कैसे डेवलप हुए, उनको फिटनेस के इश्यूज भी थे, कई इश्यूज थे, मेहनत करते और बन गए। हमारे यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था बनाया नहीं जाता, लड़के आए हैं गए हैं। ये ठीक है कि वो अब्दुर्रज़ाक नहीं थे, लेकिन वो कुछ तो थे, उन पर तवज्जो नहीं की, उनको खराब किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लड़कों के पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाए, क्योंकि इनको यहाँ पे लेना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग सेशन देने पड़ते हैं, उनको खुराक बतानी पड़ती है, उनको फिटनेस लेवल को जिम बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती हैं। एक लड़का निकला था अंडर-19 लेवल पे इतना परफॉर्म करके हमाद आजम बर्बाद कर दिया, उसको कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं उसके बाद, और वो खत्म हो गया। हैविंग सेड दैट, हर लड़का जो ऑलराउंडर आए ना, अगर वो ये सोच के अपने जेन पे बोझ डालेगा कि मैं अब्दुर्रज़ाक हूं या अब्दुर्रज़ाक की रिप्लेसमेंट, तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ऊंचा लेवल उसने अपना लिए सेट किया। लेकिन ऑलराउंडर्स को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइडेंटिफाई कर ले, पूरे पाकिस्तान में से एक कैंप लगना चाहिए जिसपे सिर्फ ऑलराउंडर्स ही हों, और उनपे वर्क करना चाहिए, पार हिटर्स देखें, बॉलर्स देखें, उनकी सलाहियतें देखें, उनपे काम होना चाहिए, लड़के हैं इस वक्त। अच्छा जी, अंडर-19 के साथ आपने क्या करना है? अब साहब अंडर-19 का क्या करना, माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया है, बच्चे फाइनल में हार गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो अभी साहब बच्चों को बनाना है, हमने हार जीत को नहीं लेकर चलना, हमने इसमें तो 3-4 अगर बच्चे भी लग रहे हैं इस वक्त आप मुझे। अब साहब देखो, मैं क्रिकेट की बात ही करो ना, हमारे मेरे तो उनसे भी पूछे, वो कहते नहीं हमने तो बनाना है बच्चों को, एक पेज पे है, हमने तो पाकिस्तान में बच्चे देने हैं, और खुशी भी है। साहब मैंने जैसे आपको पहले प्रोग्राम में कहा था, कुछ बच्चों ने देखा हमारे पास बेंच पे काफी और 10-15 लड़के थे, उनको हमने इंशाल्लाह उसके अंदर इन किया है, और आप देखेंगे वर्ल्ड कप में आपको ये मुफरिद में नजर आएंगे बच्चे। हमारे पास बहुत टाइम है, 10-15 दिन का कैंप लगेगा इनका, उसमें हमारे जितने भी वहाँ पे एनसीए में कोच है इनको बड़ी उन्होंने प्रोग्राम सेट कर लिया है, डाइट का, फिटनेस का, जो पावर हिटिंग का, जो भी उन्होंने प्लान दिया पता चलेगा आपको बच्चे। भारत जी, भारत एक चीज बता दूं, एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, खासतौर पर हारून रशीद साहब के लिए मैसेज है, ये जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को वनडे पे कर दिया है ना, 2 दिन से टाके, इसके बहुत नुकसान होंगे छोटे लेवल। अच्छा,
भारत पाकिस्तान के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलेगा। क्यों? वो आपका दुश्मन है और क्रिकेट एक वाहिद स्पोर्ट है जो आपकी बची हुई है जिसमें आप अभी तक बचे हुए। उनको ये पता है कि उनके ना खेलने से फाइनेंशियली भी आपको नुकसान है। आपकी देखें, पाकिस्तान इंडिया का जो क्रिकेट का मैच है ना, दुनिया में इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं है। और जब पाकिस्तान इंडिया का ये मैच हुआ, आप जीते ना, हर बच्चे ने उस दिन बल्ला निकाल लिया दोबारा जिसने रख दिया था। ये इंडिया की साजिश है, उसने आपके साथ नहीं खेलना, उसने आपको फाइनेंशियली भी इसमें तबाह करने की कोशिश करनी है। और देखें, इसका पाकिस्तान विन विन नहीं है, उनको पता है इंडिया को। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इंडिया में बहुत क्रिकेट वो अपनी पीएसएल उसमें कवर कर रहे हैं जो अपनी लीग खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच अगर होता है तो सर पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा है हर लिहाज से। इसलिए इंडिया पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा, ये मेरा बिल्कुल अजम है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है हर लेवल पे। और क्रिकेट जो आपकी मतलब है एक, अब इस वक्त मेन बन गई है, वैसे तो हॉकी आपकी नेशनल स्पोर्ट है, वो आपको नहीं, बस वो देख ही नहीं, पता नहीं उन्होंने कैसे हजम किया होगा, कितने लोग मरे होंगे, कितनी खुशी हुई होंगी कि चैंपियन ट्रॉफी में हमारे साथ क्या हो गया। ये सर वो नहीं, आपको वो इस वट को निकालेंगे कि आप कैसे जीत गए, उनके इतना कुछ करने के बावजूद भी आप कैसे जीत गए हैं, आप सर्वाइव कैसे कर गए, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होना। अब सर मैं तो कहूंगा जी हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। जैसे सेठी साहब ने वर्ल्ड इलेवन बुलाई, बाकी इधर टीमें आने शुरू हुई हैं, थोड़ा सा सेठी साहब से काम कर रहे होंगे, मगर ये है कि आप ऊपर चढ़े रहे, आप उनसे बात करते रहे, डायलॉग करते रहे, आप ना पीछे हटे। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का भूखा नहीं है, पाकिस्तान ने माशाल्लाह टेस्ट में नंबर वन, T20 में नंबर वन, चैंपियन ट्रॉफी में नंबर वन जीता है, हमारी क्रिकेट तो चल रही है, इन्होंने बड़ा जोर लगाया, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना नीचे से सफाती जो भी तलुकात है उस बिना पे उसे डायलॉग कर रहा है, मगर जो दे रहा है वो इंडिया क्रिकेट बोर्ड से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दे नहीं है। हम तो रेडी है, हम पाकिस्तान में नहीं खेले, ना खेले, यूएई में खेले, अब इंग्लैंड में खेले, हम तो बैठे हैं, मगर हमें ये इस तरह रो रो के हमने क्रिकेट नहीं मांगनी। हमने देखे जैसे नहीं, अभी 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 तो उन्होंने मौकफ तब्दील कर लिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है नहीं खेलते तो खेले, फिर आप अदालती कार्रवाई का सामना करें। चलिए ये तो बोर्ड भी बेहतर बता सकता है उन्होंने क्या करना। आपके ख्याल में ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट होती है तो पाकिस्तान को उससे बहुत फायदा क्रिकेट के लिहाज से? अब सब देखें ये दो, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अब ऐसे जो चल रही है, दुनिया कहती है वो सबसे बड़ी उनकी एक लीग आपस में मैच, मैं कहता हूँ उससे जो 100% जो बड़ी है ना वो पाकिस्तान इंडिया की है। आप नेहरू कप ले रहे हैं, ऐसे एक 5 साल के बाद इस तरह का कप चेंज कर ले, मैं कहता हूं पूरी दुनिया, पूरा मीडिया, पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। आप देखें उस दिन लाइव नहीं जाती पाकिस्तान में, पूरा सन्नाटा हो जाता, आप छुट्टी दे देते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वापस ये हम भी चाहते हैं क्रिकेट हो पाकिस्तान के साथ, इंडिया वाले भी चाहते हैं। देखिए हम भूखे नहीं है, मैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह PSL 3 शुरू होने वाला, हमने जो काम करना था वो करके दिखा रहे हैं दुनिया को, आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं, हम तो फिर अल्लाह हमारी मदद कर रहे हैं, हम तो ऊपर चढ़ रहे हैं। जी जी, इसमें ICC को भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक नेशन इनकार कर रहा है खेलने से, ICC को इसके ऊपर कुछ सख्ती से काम करना चाहिए कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आप मत इकट्ठा करें, ये खेल है। अच्छा फिर मुझे ये बताएं चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्यों खेले, वॉकओवर दे देते, वॉकओवर दे देते ना, वो कहते हमने नहीं खेलना वॉकओवर, पाकिस्तान जीत गया जी, हम खेलते ही नहीं है। ये तो डबल स्टैंडर्ड है, ये तो मतलब है ICC भी बैठ के तमाशा देख रहा है, उनको कह जी या तो आप बायकॉट ही कर दें, किसी लेवल पे पाकिस्तान से नहीं खेलना। जब आप वो खेल रहे हैं, इस टूर्नामेंट खेलने से एक तो मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे, देखें दोनों मुल्क की पब्लिक और प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, एक मुल्क की सिर्फ हुकूमत हठधर्मी पर अड़ी हुई है, और क्यों हठधर्मी पर पड़ी है, क्या उनको इसका फायदा है मुझे नहीं समझ आती, या तो उनको ये फिक्र है। नहीं नहीं उनको फायदा नहीं है, उनको पाकिस्तान के होने वाले फायदे की फिक्र है, ये आपने ठीक है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो, पाकिस्तान को अगर इससे फायदा हो जाएगा ये तो बहुत बुरी, पाकिस्तान में तो क्रिकेट हो नहीं, भारत में तो क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, IPL हो रही है, बाहर से टीमें आ रही है, फुल क्रिकेट सीरीज खेली जा रही है। वो ये भी कहते हैं ना कि जी हमने पाकिस्तान नहीं विजिट करना, हालात नहीं है, हम UAE में खेल लेते हैं, कहीं खेल लेते, तब भी मैं इसको कहता कि चलें ठीक है, एक्सेप्टेबल है ये वाली बात, लेकिन जो वो हरकत करी वो तो साफ मैसेज दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है, लेकिन ICC को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये गोरों के जो डबल स्टैंडर्ड है ना इससे भी इनको बाहर निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान बच्चा साहब, आमिर नजीर साहब, नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की, पाकिस्तान के क्रिकेट में अब जो सबसे अच्छी चीज ये है कि खिलाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे खिलाड़ियों की जो परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी जो पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और
ऐसे खिलाड़ी जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं हर सतह पर, आप टी ट्वेंटी के फॉर्मेट में देख लें, आप वन डे क्रिकेट में देख लें, लेकिन सबसे जो परेशान कुन चीज़ है वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की कारकर्दगी है और टेस्ट मैचेज में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बैटिंग है। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिकी आर्थर जो कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस फॉर्मेट पर भी तवज्जो दें और यहाँ पर भी जिन मसाइल का पाकिस्तान टीम को सामना है उसे निकालने के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान को टॉप परफॉर्मर्स जो बड़े टैलेंटेड हैं, जिनमें उमर अकमल, अहमद शहजाद, उमर अमीन और दीगर क्रिकेटर सुहेब मकसूद, ये तमाम के तमाम अभी नौजवान हैं, बासलाहियत हैं, इनकी अगर ये टी ट्वेंटी अच्छा खेल सकते हैं, वनडे अच्छा खेल सकते हैं, तो ये टेस्ट क्रिकेट अच्छी क्यों नहीं खेल सकते हैं? आज तो टेस्ट क्रिकेट भी तेज़ खेली जाती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इन खिलाड़ियों का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मतलब और मकसद वाज़े तौर पर ये होगा कि आप पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ का है, यकीनी तौर पर ICC को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो दोहरा मायार भारत की तरफ से कायम है, आप पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज नहीं खेलते हैं लेकिन आप पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेल लेते हैं, आप पाकिस्तान के साथ ICC के जितने भी इवेंट्स हैं वहाँ पर खेल लेते हैं, तो फिर ये दोहरे मायार क्यों हैं? पाकिस्तान ने हमेशा, शुरू से लेकर अब तक, हमेशा से एक खेल दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है, लेकिन भारत जो कि सबसे बड़ी जमहूरियत दुनिया की अपने आप को कहता है, वो इस मामले में उसके जमहूरी रवैये और उसके दोहरे मायार अयां हैं और यकीनी तौर पर लोग ये समझ रहे हैं कि ये मामला क्रिकेट का नहीं है, खेल का नहीं है, ये सियासत और पाकिस्तान दुश्मनी का है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।